दोस्तों आप सब कैसे हो आज क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है बच्चों ईटे मनके और अस्थिया आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर वन नहीं देखा पहले उसे देखे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर टू बच्चों पार्ट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तक डिस्कस कर चुके हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में बच्चों है वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मुहरे किस प्रकार सहायता होती है संक्षेप में वर्णन कीजिए एक धार्मिक को क्या कर दो तो यहाँ से काट दें क्वेश्चन में बोलना चाह रहे बच्चों वासी के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ की प्राप्त मुहरे किस प्रकार सहायक होती है उसके बारे में क्या करना है बताना इस क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्या कहना आपको बारीकी से समझना है आंसर बच्चों मुहरे में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं बहुत सारे मोहर में बच्चों अनुष्ठान के क्या मिले हैं दृश्य मिले हुए हैं जिसमें से कुछ मोहरों पे ध्यान रखना बच्चों पेड़ के चित्र मिले बहुत ऐसे मोहर है बच्चों जिसमें क्या मिला आपको ध्यान रखना पेड़ के चित्र मिले हैं और ध्यान रखना हराप्पा के लोग किसकी पूजा करते थे तो ध्यान रखना बच्चों प्रकृति की पूजा करते थे वासी बच्चों किसकी कि पूजा करते थे तो आपको ध्यान रखना एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हराप्पा के जो लोग थे किसकी कि पूजा करते थे तो ध्यान आपको रखना प्रकृति की पूजा करते थे आगे लिखा बच्चों कुछ मुहरे पर ध्यान रखना कुछ जानवर के चित्र मिले ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर बहुत फेमस है हरापावासी हराप्पा सभ्यता में जिसको बोलते हैं गेंडा एक सिंह वाला जानवर ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर हराप्पा में क्या है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था आगे लिखा भी है बच्चों एक सिंह वाला जानवर ध्यान रखना बच्चों एक सिंह वाला जानवर वही लिखना चाह रहा मोहरों पे कुछ जानवरों को चित्र मिले हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया बच्चों एक सिंह वाला जानवर आगे लिखा बच्चों शिव का चित्र कुछ मोहर पे मिला हुआ जो शिव भगवान है बच्चों उसके कहा मिले है किसी कुछ कुछ मोहर पे क्या है? उनका चिन्ह मिले हुए इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ बच्चों सहायता मिला समझने में अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बार बार का था? पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन है बच्चों जनरल कनिंगम कौन थे पेपर में आएगा बच्चों कनिंगम कौन थे बहुत इंपॉर्टेंट है वह किस प्रकार हरापा के महत्व को समझने में चुक गए वही बोलना चाह रहा पहला पार्ट में बोला कि कनिंगम कौन थे दूसरा पार्ट में बोला क्वेश्चन में वह किस प्रकार हरापक के महत्व को समझने में चूक गए मतलब मिस कर गए तो पहले पढ़ेंगे बच्चों कनिंगम के बारे में तो लिखा हुआ कनिंगम जो थे वह भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग का पहला अंडरलाइन कर बच्चों पहला डायरेक्टर जनरल थे तो ध्यान रखना बच्चों कनिंगम कौन थे तो कनिंगम आपको ध्यान रखना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला क्या थे डायरेक्टर जनरल थे आगे लिखा हुआ इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है एक नंबर में आ सकता क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कनिंगम के, के बारे में के लिखा हुआ कनिंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य मध्य मतलब बीच में पुरातत्विक खनन आरंभ किया आरंभ का मतलब शुरुआत किया बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कनिंगम ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यमध का मतलब बीच में पुरातत्विक खनन का किया आरंभ किया आरंभ का मतलब शुरुआत किए यह तो बेसिक बातें हो गई बच्चों कनिंगम के बारे में अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ वह किस प्रकार हरापा के महत्व को समझने में चूक गए अब इसके बारे में पढ़ते हैं लिखा हो चो अलेक्जेंडर कनिंगम को एक अंग्रेज ध्यान रखना एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर अंडरलाइन कर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हरापाई मोहर दिखाई ध्यान रखना बच्चों तो अलेक्जेंडर कनिंगम को जब एक अंग्रेज अधिकारी ने हरापाई मोहर को जब दिखाई तो कनिंगम यह समझ नहीं पाए कि वह मोहर कितनी पुरानी है बोलना चाह रहा बच्चों अलेक्जेंडर अलेक्गजेंडर कनिंगम को जब एक एक अंग्रेज अधिकारी ने एक हरापाई मोहर को जब दिखाया तो कनिंगम इसे समझ नहीं पाए वह मोहर कितनी पुरानी है नेक्स्ट पॉइंट लिखा जो कनिंगम ने उस मोहर को उस कालखंड कालखंड का मतलब समय होता है बच्चों ध्यान रखना कनिंगम ने उस मोहर को उस कालखंड उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी वह कालखंड से बच्चों जोड़कर उन्होंने बताया जिसके बारे में उनके जानकारी थी आगे लिखा हुआ उसके महत्व को समझ नहीं पाए वह मोहर कितनी प्राचीन प्राचीन का मतलब ध्यान रखना चाहिए पुराना होता है आगे लिखा हुआ कनिंगम ने यह सोचा कि यह मोहर भारतीय इतिहास के प्रारंभ प्रारंभ का मतलब शुरुआत होता है गंगा घाटी के गंगा घाटी ध्यान रखना चाहिए गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है जो बच्चों अंग्रेज अधिकारी ने उस मोहर को दिखाए तो कनिंगम को लगा कि यह मोहर जो भारतीय इतिहास के प्रारंभ में जो गंगा घाटी में पनपे पहले शहर से क्या मोहर संबंधित है जबकि यह मोहर गंगा घाटी के पहले से शहर से भी क्या था पहले का था बोलना चाह रहा बच्चों जबकि यह मोहर जो अंग्रेज अधिकारी जो कनिंगम को दिखाया था यह मोहर गंगा घाटी के शहरों से भी क्या था पहले के थी इसी कारण से बोल सकते बच्चों कि मोहर को दिखाने के बाद भी कनिंगम उसे समझ नहीं पाया कि कितनी पुरानी है इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर बच्चों हरापा को महत्व को समझने में क्या गए चूक गए अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें क्वेश्चन नंबर में बच्चों है हरापा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी को लिखिए बोलना चाह रहा चो हरापा सभ्यता की जो जल निकास जो प्रणाली है उस उसपे क्या करना है संक्षिप्त टिप्पणी को क्या करना है बताना है तो ध्यान रखना चो हरापा जल जो निकासी प्रणाली का था समृद्ध समृद्ध का मतलब फेमस थी नालियाँ जो मिट्टी की गारे और क्या जिप्सम की बनी होती थी ध्यान रखना चो जो नालियाँ होती थी वह किसकी बनी थी मिट्टी के गारे तथा जिप्सम की नालियाँ क्या होती थी बनी होती थी आगे लिखा हुआ इनको बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था जो नाली होती थी बच्चों इनको बड़े पत्थर से क्या कर दिया जाता था ढक दिया जाता था और आगे लिखा हुआ घर की जो छोटी नालियाँ होती थी बाहर की नालियों से आकर क्या हो जाती थी मिल जाती थी जो घर की जो छोटी जो नालियाँ होती थी बच्चों जो बाहर की जो नालियों से आकर क्या हो जाती थी मिल जाती थी पहले नाली ध्यान रखना बच्चों पहले नाली और सड़क का निर्माण होता था पहले किसका निर्माण होता था बच्चों पहले आपको ध्यान रखना नाली तथा सड़कों का निर्माण होता था और उसके बाद में अगल बगल में घर को बनाया जाता था पहले ध्यान रखना बच्चों पहले नाली और सड़कों को बनाया जाता था और बाद में उसके आस क्या बनाया जाता था तो घर को बनाया जाता था अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में लिखा हुआ चो हराप्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का क्या करना है वर्णन करना है कि हराप्पा के जो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार था उसके बारे में क्या करना है बताना है आंसर को ध्यान से समझना है हराप्पा के पश्चिमी एशिया के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे ध्यान रखना चो किस तरीके का संबंध था तो अच्छे व्यापारिक संबंध थे और हराप्पा वासी ध्यान रखना ओमान कोमा ईरान कोमा इराक के साथ व्यापार किस किस देश के साथ बच्चों ध्यान रखना ओमान के साथ ईरान के साथ इराक के साथ व्यापार करते थे ध्यान रखना बच्चो ओमान इराक और ईरान के साथ हरापावासी के जो लोग क्या करते थे व्यापार करते थे ओमान से बच्चों तांबा आता था ध्यान रखना एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि तांबा हरापावासी में किस देश से आता था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओमान से आता था तांबा कहाँ से आता था तो आपको ध्यान रखना बच्चों तांबा जो आता था वो ओमान से आता था आगे लिखा भारतीय वस्तु का जो निर्यात था वह पश्चिमी एशिया में किया जाता था जो भारतीय वस्तु का जो निर्यात निर्यात का मतलब होता बच्चों भारत का जो सामान है किसी दूसरे देश में जाना पश्चिमी एशिया में किया जाता था नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हरापा सभ्यता का जो अंत हुआ अंत का मतलब होता है पतन के लिए कौन से कारण क्या है उत्तरदायी है कि हराप्पा जो सभ्यता बच्चों उसका जो अंत हो गया के लिए कौन कौन से क्या कारण उत्तरदायी है तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों बाढ़ के कारण पहला क्या कारण है बाढ़ के कारण दूसरा नदी के मार्ग बदल लिया जो नदी का जो मार्ग है वह क्या कर लिया बदल लिया और तीसरा आपको ध्यान रखना भूकंप का आना तीसरा क्या है आपको ध्यान रखना बच्चों भूकंप का आना और चौथा आपको ध्यान रखना आर्यों का आक्रमण चौथा आपको ध्यान रखना बच्चों आर्यों का आक्रमण और पांचवा आपको ध्यान रखना जलवायु में परिवर्तन पांचों कारण पांचों कारण से बच्चों क्या होगा हरापा सभ्यता का पतन हो गया पहला कारण आपको बताना बाढ़ के कारण दूसरा नदी के मार्ग को बदलना तीसरा आपको ध्यान रखना भूकंप का आना चौथा बच्चों आर्यों का आक्रमण है पांचवा का जलवायु में परिवर्तन इन्हीं सभी कारणों से क्या हो गया बच्चों हरापा सभ्यता का पतन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले अंडरलाइन बच्चों पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो आपको ध्यान रखना बच्चों कनिंगम थे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो आपको ध्यान रखना बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगम थे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र को बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद चंद्रुद्रो जो अभी वर्तमान समय में पे है पाकिस्तान में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सी थी तो आपको ध्यान रखना बच्चों चंद चंद्रुद्रो जो वर्तमान समय में कहा पे है पाकिस्तान में है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों शंख से बनी वस्तुओं का जो प्रमुख केंद्र कौन सी थी तो आपको ध्यान रखना बच्चों नागेश्वर थी कौन सी थी जगह नागेश्वर थी संघ से जो बनी वस्तुओं का जो प्रमुख केंद्र कौन सी थी तो आपको ध्यान रखना बच्चों नागेश्वर थी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सभ्यता क्या है ध्यान रखना बच्चों हरा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या है ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको बारीकी से आंसर को समझना है प्राचीन भारत की पहली सभ्यता प्राचीन भारत की जो पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी, थी? हराप्पा सभ्यता थी एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों प्राचीन भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन थी थी इसको आंसर हो जाएगा बच्चों हरप्पा सभ्यता वही लिखा हुआ प्राचीन भारत की पहली सभ्यता कौन सी थी तो हराप्पा सभ्यता यह संस्कृति पहली बार हराप्पा नामक स्थान पे खोजी गई यह जो संस्कृति थी बच्चों पहली बार किस जगह पे खोजी गई तो आपको ध्यान रखना बच्चों हराप्पा नामक स्थान पे खोजी गई इसलिए उसी के नाम पे ध्यान रखना पहली बार बच्चों इस संस्कृति की पहली बार कौन सी जगह पे खोज हुई तो हराप्पा नामक स्थान पे खोज हुई जिसके कारण से इसीलिए उसी के नाम पे इस इस संस्कृति का नाम रखा गया ध्यान रखा चो जिसके कारण से इसी संस्कृति के नाम पे इसका नाम रखा गया पर जो हरापा आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोट गोमरी आपको जगह का नाम याद रखना बच्चों पंजाब प्रांत में मोट गोमरी जिले के राबी नदी के बाएं तट पे क्या है स्थित आपको ध्यान हराप्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोट गोमरी आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना है मोट गोमरी जिले के राबी नदी के बाएं तट पे क्या है स्थित है कौन सा स्थित है बच्चों हराप्पा और ध्यान रखना लगभग छब्बीस और 1900 सौ ईस्त पूर्व के बीच इसका क्या हुआ काल निर्धारण किया तो डेट आपको ध्यान रखना चाहिए हराप्पा सभ्यता का जो काल गणना अगर पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों छब्बीस सौ से लेकर उन्नीस सौ ईसा पूर्व का मतलब आपको ध्यान रखना बी सी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है बीसी बी सी में जो डेट होता है वो उल्टा चलता है तो ध्यान रखना लगभग छब्बीस सौ से उन्नीस सौ ईसा पूर्व के बीच इसका क्या हुआ काल को निर्धारण किया गया है इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है कि यह सभ्यता का जो विस्तार है प्रारंभ में मतलब शुरुआत में आपको ध्यान रखना बारह लाख निन्यानवे हजार छः सौ वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है इस सभ्यता का जो विस्तार था बच्चों शुरुआती में स्टार्टिंग में यहाँ लिखा प्रारंभ में कितना था बारह लाख निन्यानवे हजार छः सौ वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था तो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में जो हरापस सभ्यता का विस्तार कितना था तो आपको ध्यान रखना बारह लाख निन्यानवे हजार छः सौ वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था तो एम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इसको आपको क्या करना है याद रखना है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हरापा लिपि की प्रमुख विशेषता को क्या करना है लिखना है तो ध्यान रखना बच्चों पहला जो हरापा जो लिपि था वह रहस्यमय लिपि था ध्यान रखना बच्चों जो, जो हरापा लिपि था वह किस तरीके का था तो आपको ध्यान रखना रहस्यमय लिपि था पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों हरापा लिपि के बारे में किस तरह का लिपि था तो रहस्यमय लिपि था इसमें चीनों की जो संख्या थी वह तीन से लेकर चार के बीच में था इसमें जो चीनों की जो संख्या था आपको ध्यान रखना चाहिए एमसी क्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हरापा सभ्यता में जो चीनों की जो संख्या था कितने से कितने था तो तीन सौ पचहत्तर से लेकर चार सौ के बीच में था सबसे लंबी अभिलेख में बच्चों छब्बीस चिन्ह थे जो सबसे लंबी जो अभिलेख था उसमें कि, कितने चिन्ह थे तो आपको ध्यान रखना छब्बीस चिन्ह थे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना चाहिए हरापा जो लिपि था वह क्या था चित्रात्मक लिपि था हरापा जो लिपि था किस तरह का था बच्चो चित्रात्मक लिपि था और इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों जो लिखी जाती थी वो दाई से बाई और लिखी जाती थी इसका मतलब वो बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होती थी उसमें लिखी जाती थी तो बच्चों चार पॉइंट इसमें लिखा है हरापा लिपि के बारे में चारों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू बच्चो, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरापा लिपि किस तरीके से लिखी जाती है तो ध्यान रखना बच्चों दाई से बाई और लिखी जाती है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू लेफ्ट बच्चे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले थैंक यू